डॉन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। शहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में डॉन। जिंदगी से खेलना मेरा शौक, खेलता हूँ अपनी शर्त। जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत। Hello guys, तो फाइनली आ चुका है 3.4 अपडेट। और भाई साहब, इस अपडेट में जो जो चीजें दी हैं आपको देख के गाइस, अगर मजा ना जाए तो पैसा वापस। तो भैया एनिमेशन फिलहाल के लिए आप लोग प्लेन का देख ही सकते हैं। तो भाई साहब, एक वाइड मतलब स्पेस फाड़ करके यार एक प्लेन निकलता है, उसके पीछे चमगादड़ आते हैं। और इस गेम में भाई साहब दो मेन हॉट ड्रॉप दिए गए हैं, जो कि एक स्टेलवर में और दूसरा भैया कोने की साइड, जगह नाम नहीं पता मुझे। एंड हम फिलहाल के लिए उतरेंगे स्टेलवर, और इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। इसमें आप चमगादड़ बन सकते हो, भेड़िया बन सकते हो। एंड गाइस, इसमें आपको व्हीकल के नाम पे एक घोड़ा मिलेगा। और भाई साहब घोड़ा नहीं, बिल्कुल मतलब बहुत तगड़ा चीज़ है घोड़े का जो काम है गाइस, आप देखोगे तो भाई मजा टाइप का आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उतर रहे हैं अभी कैसल में। तो एक एक करके सारी चीज़ों को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। पता चले भाई साहब एक मिनट की वीडियो को स्किप करने के चक्कर में आप लोग कोई कीमती चीज़ मिस कर दो, जिससे कि आपको गेम खेलने में हो परेशानी। एंड गाइस, कैसल पर हम उतर चुके हैं, और यहाँ पर अभी जो है बंदे थोड़ा सा कम आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई खेल रहा है बहुत दिनों के बाद। अना गाइस, ये अभी मैं पबजी मोबाइल में खेल रहा हूँ, बीजीएमआई का अपना दो दिन में अपने बीजीएमआई में भी आ जाएगा, तो इसलिए मैं पहले लेकर के आ गया, ताकि आप लोग जो है डिटेल में हर चीज़ देख सकें। एंड गाइस, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इसमें जो है आपको बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल बोलो तो एक नंबर लल्लन टॉप एंड जॉर्ड। सर गाइस, सबसे पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, पुराने हैं तो लाइक और शेयर ठोक दो अपने दोस्त को जो भी बीजीएमआई खेलने वाले हैं। एंड गाइस, फौजी भाई के सब्सक्राइबर हैं तो यार ऑब्वियसली लिख दिया करो यार, जिस भी यूट्यूबर के हो, जिससे कि मुझे आप पता चलता रहे। और गाइज, आज हम खेल रहे हैं जो कि हमारे रैंडम है। एंड गाइज, ये दोनों रैंडम बहुत ही स्यूट एंड क्यूट मिल जाते हैं। एक तो बच्चा होता है बहुत प्यारा सा राजस्थान का, एंड गाइज एक और होता है हैदराबाद का, तो दोनों की बातें सुनना बड़ा मजा आएगा। तो फिलहाल के लिए गाइज, कैसल में आपको क्या करना उतरती भाई साहब, बंदो बंदो से निपटनी है ऑब्वियसली। एंड गाइज, आप कैसल में ऐसी घूमोगे तो आपको कहीं जगह ऐसे कैफिन मिले, मतलब ये ताबूत या कैफिन कह सकते हो, एंड मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आप खोलोगे तो सिंपली इसके अंदर आप चले जाओगे, मतलब कह सकते हो यार हाइड एंड सी टाइप का ये सिस्टम है। इससे गोली गोली तो नहीं चला सकते हो, बट ये आप अंदर बैठ के बाहर का नज़ारे को देख सकते हो। सो गाइस, और इसका कोई मतलब स्पेसिफिक कोई यूज़ नहीं है, तो फटाफट यार चल के जो है हमें लूट करनी है, क्योंकि गाइस हमको चमगादड़ और भेड़िया दोनों बनना है। हाँ हाँ, कोई कोई इंजेक्शन मिलता है भाई, आप कौन सा वैसे खेलने के लिए। सर गाइस, जैसे मैं इस बंदे को निपटाता हूँ, और इस बंदे की बेटी यार मुझे ऐसी चीज मिलती है जो कि इस गेम के अपडेट की सबसे एपिक और एक नंबर की चीज होने वाली है। क्या ब्रदर, नाम नेम बताना ब्रदर यूट्यूब पर। पर भाई यार, इस बंदे की बेटी से मुझे मिल जाते हैं दो दो इंजेक्शन, मतलब एक ही बंदे की बेटी से मुझे दो इंजेक्शन मिल जाते हैं, और दोनों इंजेक्शनों का अपना अलग अलग काम है। इनमें से एक इंजेक्शन है जो कि भाई साहब भेड़िया बनाता है, और दूसरा इंजेक्शन है आपको चमगादड़ बनाता है। एंड गाइस, दोनों की एबिलिटी आप लोग खुद देखना और बताना कौन सी आपको ज़्यादा बेहतर लगी। तो मुझे कौन सी बेहतर लगी वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए यार पहले मैं चमगादड़ बनता हूँ, एंड उसके बाद देखो क्या ही गला सीन होता है। अरे एक अलग टाइप का भी इंजेक्शन है ना, मल्ली को वैसे ट्यूब सी है एक। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, हम पे आ जाओ, चमकादर बने हो ना। ये देखो मल्ली, मैं भी चमकादर। अच्छा मार भी सकते हैं, मैंने अभी खुद ने अभी। लेट्स फाइट टुगेदर। सर गाइस, सिंपली मैं यहां पर आपको बता देता हूं चमगादड़ का काम क्या है। भाई साहब, उसकी स्पीड थोड़ी सी बुल्फ के अकॉर्डिंग बहुत थोड़ी नहीं, मतलब बहुत स्लो होती है। अभी मैं आपको बुल्फ भी बन के दिखाऊंगा, तो आप लोग खुद जो है आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। चमगादड़ का एक एडवांटेज है कि ये हवा में रह के अटैक कर सकता है बस, और हालांकि अटैक तो अपना बुल्फ भी कर सकता है, लेकिन गाइस दोनों के अटैक ही बेकार हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इनके अटैक के ऊपर भरोसा मत करना, वरना आपको बोर्ड भी मार देगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर अपनी मैं सिस्टम को जमा लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत दिन बाद मैं पबजी मोबाइल खेल रहा हूँ, तो इसके चलते यार सेटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है। एंड आप लोग जैसे ही देख सकते हैं, चमगादड़ जो है भाई हाइट पे तो काफ़ी जा रहा है, लेकिन गाइस इसकी स्पीड यार इतनी अच्छी नहीं है। सो यार गाइस, अब बनते हैं भेड़िया। एंड गाइस,
भेड़िया भी वैसे इंजेक्शन लगा करके बना जाता है, लेकिन गाइस भेड़िए की आप लोग एक बार स्पीड देखें भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ, हैकर टाइप की भाई इसकी स्पीड है, इसको घोड़ा भी नहीं पकड़ पाता। हालांकि घोड़ा 95 की 100 की स्पीड में मैक्स भागता है गाइस, मैं आगे चल कर रेस भी लगाने वाला हूँ, तो आप लोग खुद देखना कि घोड़ा इसको पछाड़ पाता नहीं पछाड़ पाता। और इसकी एक अच्छी बात है कि इसका स्टेमिना है इतनी जल्दी एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म नहीं होता है, जिससे कि आप बहुत दूर तक सफर तय कर सकते हो। सर गाइस भेड़िया की एक एबिलिटी सबसे प्यारी है, जैसे कि आपको अगर दीवार पे चढ़ना है तो आपको क्या करना है, राइट साइड पर रोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड गाइस दीवार के पास जाकर के डबल टैप करना है जंप के ऊपर। फिर क्या गाइस आप बन जाओगे स्पाइडर मून और फटाफट यार ऊपर चढ़ जाओगे। ऊपर चढ़ते टाइम भाई आप आराम से भी कहीं जा सकते हो, बस यार ऊपर ऐसे कोई कवर अप ना हो। एंड अब बात करते हैं अपने इस घोड़े की। सो यार गाइस घोड़े की जितनी तारीफ करो कम है गाइस, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर दिए गए हैं भाई साहब, एक नंबर का घोड़ा लग रहा है। एंड सबसे पहली बात करते हैं घोड़े की, जो सबसे अच्छी चीज बनाती है वो है इसकी गाइस ठीक ठाक वाली स्पीड। मतलब ठीक ठाक मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये घोड़ा अपना 90 से 100 की स्पीड में तक भाई साहब दौड़ सकता है। नॉर्मली 90 में तो भागी भागेगा और कहीं अच्छी जगह मिल जाती है 100 तक टच कर लेता है स्पीड को, तो यार मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी स्पीड है। एंड गाइस दूसरी चीज़ क्या है कि घोड़ा अपना जंप कर सकता है, और तीसरी चीज़ की क्या है, घोड़े को चलते चलते आप खाना खिला सकते हो, जिससे कि इसकी जो गोलियाँ लगी हुई डैमेज रिकवर हो जाता है। एंड गाइस एक चीज़ और बहुत अच्छी है, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, बस दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए नंबर 3 किसी को मार रहा है, तो भाई साहब ये उसने मार दिया है तो हम इसे इग्नोर करते हैं, हम निकल पड़ते हैं आगे। ये रे मलिक बैठो बैठो, कौन है ये अपने रुक जा। अरे चलाओ घोड़ी चलाओ, घोड़ी नहीं है घोड़ा है। अरे भेड़िया कैसे बनते हैं बताओ यार। ऐसे 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 बनते हैं मलिक, मेरे को भी बनना है यार। ऐसे बनते हैं। सर गाइस ये एक टावर है, टावर टाइप का रहता है, रिकॉल टाइप का, इससे आप जैसे एक्टिवेट करोगे इसमें एक टाइमर चालू जाएगा, और गाइस ये टाइमर आपको पूरे जोन में मिलेगा, और इसके अंदर जितने भी बंदे होंगे गाइस आपको उनकी मतलब क्वांटिटी दिखती रहेगी। जैसे कि अभी 2 बंदे हम हैं, तो भाई साहब आप लोग देख सकते हैं 2 हैं, और जैसे इसका टाइमर ख़त्म होगा इसमें से कुछ लूट के मटेरियल मिलते हैं, कुछ रिकॉल के मटेरियल मिलते हैं, जिससे कि आप रिकॉल खरीद सकते हो। एंड गाइस अब बात करते हैं घोड़े की, तो भाई जैसे कि घोड़े के बारे में एक फीचर और बता दूं मैं, मैंने मारी सीटी, और गाइस जैसे मैंने सीटी मारी वैसी देखो घोड़ा दौड़ा चला आता है। देख रहे हो गाइस, मतलब जिस घोड़े पे आप एक बार बैठ जाओगे और सीटी बजाओगे घोड़ा डायरेक्टली आपकी तरफ भाग चला आएगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप थोड़ी सी दूर हो लूट कर रहे हो, आपको बुलाना है घोड़े को लूट करते करते, तो भाई सीटी मार के बुला सकते हो, तो भाई ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। एंड गाइज अभी घोड़े की एक और सबसे प्यारी चीज़ बची है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। घर पे है आपका घोड़ा, ये क्या है ब्रदर, ये क्या चीज़ है? जैसे इसका टाइमर पूरा हुआ इसने काफी सारी लूट दे दी है, और गाइस ये वापस से डिसेबल हो जाता है। एंड गाइस अब बारी थी हमें भी जोन में जाने की, और मैं आपको दिखाता हूँ नई नई कुछ न्यू लोकेशन, और भाई साहब जो मिनी हॉट ड्रॉप है वो भी मैं आपको एक बार जरूर दिखाता हूँ। अरे किसी को फॉलो भी कर सकते हो, पता है आपके टीममेट को फॉलो भी कर सकते हो बिना चलाए, भाग सकते हो बिना चलाए। हाँ घोड़ा अपने आप फॉलो करेगा अपने आप। हाँ वो एक बार किसी बंदे के पास जाओ टीममेट के, और वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, वो टीममेट को फॉलो बस तुम जिधर भी जाओ कुछ पुकारने वाला था, पुकारने वाला था। सर गाइस सामने एक स्टैचू है जो कि आप में मैप में भी दिख जाएगा, तो यहाँ पर आएंगे, बस आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है गाइस इसके क्लोज जाएंगे, एंड क्लोज जाने के बाद में गाइस इसके सामने एक आपको एक सिंपल सा एक ऑप्शन दिखेगा, मतलब एंट्री या ओपन का, तो क्या करना है आपको बस सिंपल इसको ओपन कर देना है, और जैसे गाइस इसको ओपन करेंगे वैसे ही इसमें से यार आजू बाजू कई सारे जो हैं क्रेट्स आ जाएंगी, उन क्रेट में मिलती है आपको अच्छी खासी लूट, तो भाई साहब लूट का समझ सकते हो अलग ही लेवल का होता है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें ऐसे स्टेचू मैप में कई जगह मिलेंगी, तो आप ऐसे लूट ले सकते हो, और अच्छी खासी ऐसी वैसी भी नहीं लूट, मतलब ठीक ठाक लूट मिल जाती है एक बंदे के भरे की। तो अब चलते हैं गाइस थोड़ा आगे की तरफ। बंदा बंदे बंदे
इधर एक और है मलिक सामने पे एम्पायर बना हुआ है वो उस साइड में उस साइड में मैं तो राक्षस बन जाता हूँ नंबर फोर पे चल दो आगे आपका फर्स्ट मैच है क्या नंबर फोर पे ब्रदर ये सर गाइस ईमानदारी से बताना ये वाला जो सीन था गाइस घोड़े का सीट चेंज करके और घोड़ा ऐसा नहीं है कि सीट चेंज कर दी घोड़ा रुक गया भाई सीट चेंज नहीं करनी है आपको आपको जो है गन पे टैप करना है गाइस आपका घोड़ा कंटिन्यू चलता रहेगा अगर आपको लग रहा है कि घोड़ा आपकी नॉर्मल स्पीड से स्लो चल रहा है तो आप एक दो बार गन को स्विच करेंगे ऊपर नीचे मतलब दूसरी गन फिर पहली गन फिर दूसरी ऐसे क्या होगा घोड़े की स्पीड बूस्ट जाएगी और भाई फिर वो उस स्पीड में रेगुलर भागेगा तो ये चीज़ घोड़े की मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक और प्यारी लगती है और सीटी मतलब बजा के बुलाने वाली चीज़ भी बहुत ही अच्छी है एंड गाइस अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो दबा दो क्योंकि आगे आगे तुम्हारा भाई और भी बहुत प्यारी चीज़ें दिखाने वाला है हो सकता अभी कुछ मेरे मम्मी है ये पानी में जा सकते हैं क्या पानी में नंबर तीन को बचाना है Okay. मैं राक्षस लेके आ रहा हूँ ब्रो आप इजी में भी खेलते हो क्या बच्चे हो जादू सर गाइस यहाँ पर मैं अपने टीममेट को बचा लेता हूँ एंड गाइस अब रैंडम प्लेयर नंबर दो था यार वो थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर डाउट करने लगता है मतलब उसे समझ में आ रहा था गाइस ये डॉक्टर जादू असली वाला या नकली वाला वो अभी तक इन्हीं बात पे अपने मन में कंफ्यूज था तो इसलिए वो डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली मुझसे पूछ रहा था कि आप बीजीएमआई वगैरह खेलते हो क्या आपका चैनल बनल है तो अभी मैं उसको कुछ भी नहीं बताता हूँ लेकिन गाइस वो बंदा बेहद चालाक होता है और उसको जो है धीरे धीरे मेरे ऊपर शक होने लगता है तो वो ज़्यादा मुझे इंसिस्ट करता है फोर्स करने लगता है तो मैं आगे उसको बता भी देता हूँ लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा आगे होने वाली है लेकिन उससे पहले ज़रा ये वाला सीन चेक करो ना मारने वाली बात सही नहीं है राक्षस मारता है आगे आगे चलते जो ना सर गाइस इन बंदों को मारने के बाद में गाइस मेरे जो किल थे 11 हो चुके थे एंड गाइस हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चल रहा हूँ इसमें गाइस जो है कुछ जगह पर कुछ एक जो चीज़ पॉइंट जो है शायद मिस भी हो गए मुझसे लेकिन गाइस एक गेम प्ले में बहुत कुछ कवर कर चुका हूँ लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी हम मिस कर चुके हैं तो अभी उनको भी कवर करते हैं गाइस तो इसमें एक टेलीपोर्टेशन भी एक आपको स्क्रॉल मिलता है जिससे कि आप उसके गेट के आर पार जा सकते हो अब वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ एंड गाइस फ्लैट के लिए ज़रा ये देखो अरे जादू भाई मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ रुको जादू भाई जादू भाई रुको ना तो मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ यार आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके यार तो गाइस जब यार आपको कोई सब्सक्राइबर अपना भाई मिल जाता है तो भाई दिल से बड़ी खुशी मिलती है तो मैं इसको अपने घोड़े पे बिठाता हूँ और भैया निकल पड़ता हूँ और बंदों की तलाश में और न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए तो मैं जैसे ही एक्सप्लोर करता हूँ नंबर थ्री की तरफ देखता हूँ तो भैया नंबर थ्री यार किसी से फाइट ले रहा था तो फिर क्या था मैं अपना मतलब घोड़ा उसकी तरफ लगा देता हूँ मैं लॉलीवुड में जाऊँगा पाकिस्तानी में अरे मेरे को राक्षस बनने दो मेरे को राक्षस बनने दो चलो रश ही कर दो आपको एक और जादू अरे अरे किसके अंदर कैप्सूल सा भी है मेरे को वो कैप्सूल नहीं समझ आया क्या चीज है
हाँ ये मेरे से भी निकला था, मैंने पर इसको तोड़ दिया था। सर गाइस ये है टेलीपोर्टेशन वाला स्क्रॉल, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि गाइस इतने छोटे जोन में ये काम नहीं करता है, और ये स्पेशली काम करता है कि आप जब जोन के बाहर रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप घोड़े को लेके, गाड़ी को लेके, किसी को लेके इसके अंदर से कहीं पर भी जा सकते हैं। तो गाइस ये थी गेम की इसकी लास्ट और आखिरी वाली एक्सप्लोरेशन। एंड गाइस जब बंदे बचे थे 2-3, तो फटाफट यार उनको भी जल्द पकड़ते हैं। एंड गाइस जब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब के बटन को पकड़ लो, और लास्ट वाले बंदे को तुम्हारा भाई मारने वाला है भेड़िया बन के, तो भाई साहब वो वाला सीन तो बिल्कुल मिस मत करना, बड़ा मजा आएगा। अरे मार्क द लोकेशन, मेरे को मार रहा है, मेरे को मार रहा है। अरे पानी में जाएगा, कवर के लिए। सो गाइस आपने देखा, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने बस इसलिए दिखाया क्योंकि ताकि आपको समझ में आ सके कि ये फाइटिंग के लिए नहीं है, ये बस खाली आपको भगाने के लिए बढ़िया चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको ये वाला अपडेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मेक श्योर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब खैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। जिंदगी से खेलना मेरा शौक, खेलता हूँ अपनी शक्ति, जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत है।